God, hallelujah. प्रार्थना में जाएंगे मेरे भाई मेरी बहन. किसी ने एक सुंदर गीत गाया, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देह वही आराम. मैं इन दो लाइनों को गाना चाहता हूं और इन दो लाइनों को गाकर प्रभु की महिमा करें. यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवो ही आराम. यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवो ही आराम. एक और बार गाएं. यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवो ही आराम. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवो ही आराम. तो यीशु नाम जिंदगी का जाम और जिंदगी का देवो ही आराम. कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर यीशु ना होते तो हम में से कई लोगों की हालत क्या होती. क्या हम कभी ये सोचते हैं बैठकर, अपने बारे में हो या दूसरों के बारे में हो, कि अगर यीशु ना होते, यीशु ने कुर्बानी ना दी होती तो मेरी और आपकी हालत क्या होती. कितने महान महान लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें हम बड़े नाम से जानते हैं. उनमें से कई लोग दब्बू थे, भीरू, गरीब, निराश, रोने वाले, बड़े ही मासूम लोग जिन्हें बुद्धू कहते हैं, ऐसे लोग. और यीशु ने उनके जीवन में काम किया और आज उसी यीशु के कारण दुनिया उन्हें जानती है. एक व्यक्ति है निक, ऑस्ट्रेलिया के. दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, लेकिन यीशु को पाकर वो व्यक्ति इतना महान बना है कि यीशु को पाकर उसके जीवन में दोनों हाथ ना होने के बाद भी, दोनों पैर ना होने के बाद भी इतनी खुशी है. मैं सोचता हूं अगर यीशु नहीं होते थे, आप जानते हैं उसने क्या किया था. उसने बाथ टब में अपने आप को डुबाने की कोशिश की थी. एक व्यक्ति है बेन्नी प्रसाद, अपने ही भारत के, कर्नाटक के. उनको बहुत सारी समस्याएं थी बचपन से ही. बीमार थे, बुद्धू थे, बुद्धि की कमी थी. स्कूल से निकाल दिया गया, म्यूजिक क्लास से निकाल दिया गया, कुछ नहीं कर रहे थे. स्पाइनल कॉर्ड डैमेज था. और यीशु को उन्होंने पाया, वो महान बने, बेन्नीहीन. और ना जाने कितने नाम मैं आपको गिनाऊं तो आप थक जाएंगे ये सोचते सोचते कि यार सच में प्रभु ने क्या किया है. चलो हम अपना ही उदाहरण लेना, अगर यीशु नहीं होते तो हमारा क्या होता. कोई आशा थी. एक समय तो ऐसा जिंदगी में आया होगा आपके भी और मेरे भी
कि जब हम टूट गए थे, जब हम निराश थे, परेशान थे, उदास थे, रोते थे और आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था, और यीशु से एनकाउंटर हुआ, अगर यीशु नहीं होते तो क्या कोई आशा थी? मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, किन लोगों पर भरोसा रखेंगे, कैसे जिएंगे? इसीलिए कभी सोचा करो बैठकर कि मेरी जिंदगी में यीशु ने क्या किया है। आंखें भर आएंगी, दिल गदगद हो जाएगा, यीशु के प्रति प्यार बढ़ जाएगा। कोई तो हो सोचने वाला। हाँ, हम ये जरूर सोचते हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या किया, इसको मैंने प्यार किया, उसको मैंने प्यार किया, क्या किया उसने मेरे लिए। कभी ये सोचा है यीशु ने क्या किया? कभी दिल रोया है? प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। जो आपने किया उसके लिए धन्यवाद। जब मैं निराश था, जब मैं परेशान था, तू था मेरे पास। जब मुझे पूछने वाला कोई नहीं था, तू था। जब मैं घायल था, तू ही था। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। गाएं, तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। गाएं, भर दे तेरी शांति मुझको दे दे। गाएं, प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे पावन लहू से धो दे, लहू से धो दे, तेरे पावन लहू से धो दे, तेरे पावन आत्मा से भर दे।
मसीहा तू आजा मेरे जीवन में तू समा जा। मुझे भर दे तेरी शांति मुझको दे दे। तेरे प्यार से मुझे भर दे तेरी शांति मुझको दे दे। मुझे भर दे तेरा जीवन मुझको दे दे। तेरे आनंद से मुझे भर दे तेरा जीवन मुझको दे दे। मुझे भर दे तेरा जीवन मुझको दे दे। तेरे पावन लहू से धो दे तेरे पावन आत्मा से भर दे।
पूरा तेरे बिना यीशु मैं तो कुछ
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू आदि अनादि शब्द है, आदि अंत अल्फा ओमेगा, सदा एक रूप रहने वाला प्रभु हम पर दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, जय जयकार करते हैं। हमारे होठों को शुद्ध कर, हमारी आंखों को शुद्ध कर, कानों को शुद्ध कर, हमारे परिवार को इस वक्त शुद्ध करने की कृपा कर, जिससे कि हम सच्चे हृदय और सच्ची आत्मा से तेरी आराधना कर सकें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का प्रेम इस वेदी से आपके घरों की ओर बह रहा है, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है, उसका पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे ऊपर छाया हुआ है। रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर के प्रेम का जो रहस्य है वो हम में उमड़ पड़ता है। प्रियजनों, इस वक्त समर्पित होते जाएं, अपने परिवार के साथ मिलकर स्तुति आराधना में भाग लें। कुछ क्षण के लिए अपने सारे कामकाज छोड़कर प्रभु की हजूरी में आ जाएं। ये समय अनुग्रह का समय है, आपकी चंगाई और उद्धार का समय है। आपके जीवन में जो योजनाएं हैं उनकी सफलता को प्राप्त करने और बरकतों को प्राप्त करने का समय है। यदि आप लोग यात्रा में हैं और अपनी गाड़ी में इस वचन को सुन रहे हैं तो अपने आप को समर्पित करें। यदि आप घर में हैं तो अपने बच्चों के साथ मिलकर इस वक्त वेदी के समक्ष उपस्थित होकर प्रभु की स्तुति करें। स्तोत्रकार कहता है, कृतज्ञ हृदयों के लिए ये शोभन है कि वे धन्यवाद दें। सृष्टि के साथ मिलकर उसकी स्तुति करें और उसकी आराधना करें। आज के पूरे दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की दया असीम है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो अगम है, सदा एक रूप रहता है, उसका प्रेम अटल है, वो निरंतर अनंत काल से हमें प्रेम करता आ रहा है, इसलिए मैं और आप जीवित हैं। उसका प्रेम प्यारे भाइयों और बहनों हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, उसकी दया सहज ही उमड़ जाती है,
उसकी दया सहज ही हमारे जीवन पर प्रकट होती है। बाइबल उसके विषय में बताती है कि ईश्वर प्रेम है और वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। इसलिए इस वक्त मैं और आप उसकी हजूरी में उपस्थित होकर धन्यवाद करें, प्रभु से कहना कि मैं विश्वास करता हूँ, हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, हे प्रभु मैं ये अंगीकार करता हूँ, हे प्रभु मैं अपने जीवन में आपको स्वीकार करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से उदास हूँ, मैं हृदय से उदास कि मैंने तेरी असीम भलाई का, मैंने तेरी असीम भलाई और बढ़ाई का अपराध किया है, और बढ़ाई का अपराध किया। मैं अपने सब पापों से, मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, बैर और घृणा करता, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, क्योंकि तू है मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के, जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है, और मैं यह दृढ़ मन करता हूँ, और मैं यह दृढ़ मन करता हूँ तेरी पवित्र कृपा से, तेरी पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी नहीं करूंगा, तेरा अपराध कभी नहीं करूंगा, पाप की जोखिमों से, पाप की जोखिमों दूर रहूंगा, दूर रहूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, हे इज़राइल, हे इज़राइल, जब तू बालक था, जब तू बालक था, मैं तुझे प्यार करता था, मैं तुझे प्यार करता, और मैंने मिस्र देश से, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र को बुलाया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मलाकी का ग्रंथ, मलाकी का ग्रंथ अध्याय एक, अध्याय एक, पद संख्या दो, पद संख्या दो, मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुमसे प्रेम किया। पंद्रह अध्याय, पद संख्या नौ, पद संख्या नौ, जिस प्रकार पिता ने तो मुझको प्यार किया है, पिता ने मुझको प्यार किया, उसी तरह मैंने भी तुम्हें, मैंने भी तुम्हें प्यार किया है, प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु के प्रेम को अनुभव करें। एक सुंदर गीत है, हम गाते हैं, तेरे प्रेम की छाया छाई रहे और हम तेरी आराधना करते रहें। कितना सुंदर और सुनहरा अवसर है प्रभु की हजूरी में परिवार के साथ बैठकर उसकी स्तुति करना, इन गीतों भजनों के द्वारा उसकी महिमा करना। प्रियजनों, स्वर्ग दूतगण, संतगण स्वर्ग लोक में निरंतर उसके नाम की आराधना करते हैं। इसलिए मैं और आप इस वक्त अंगीकार करें कि प्रभु आपका प्रेम मेरे परिवार में सदा बना रहे, तेरे प्रेम की छाया मेरे जीवन में सदा छाई रहे, तेरे रहम की पुरवा हमारे जीवन में और परिवार में सदा चलती रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे, तेरे प्रेम की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे, प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी आराधना करते रहे, तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे, तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी आराधना करते रहे।
विश्वास कीजिए प्यारे भाई प्यारी बहन कि प्रभु आपको प्यार करता है। ये उसका प्रेम ही है जी। मैं और आप जीवित हैं, भले चंगे हैं, हमारा घर सही सलामत है। हालांकि हमारे जीवन में कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, लेकिन फिर भी प्रभु की दया हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। उसका रहम हमारे जीवन पर सदा बना रहता है। तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से और कलाम की खुशबू से और कलाम की खुशबू से तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी आराधना करते रहे। साम नंबर 135, भजन संहिता 135। जिसके पास बाइबल है वो खोल ले, और बाकी सभी लोग मेरे पीछे दोहराने का कष्ट करें। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करो। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में, प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में, हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो वह भला है, प्रभु की स्तुति करो वह भला है, उसके नाम की स्तुति करो वह प्रेममय है, उसके नाम की स्तुति करो वह प्रेममय है। प्रभु ने याकूब को चुना है, प्रभु ने याकूब को चुना है, उसने इज़राइल को अपनी प्रजा बनाया है, उसने इज़राइल को अपनी प्रजा बनाया है। मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है, मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है, हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है, हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है। आकाश में पृथ्वी पर, आकाश में पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में, समुद्रों और उनकी गहराइयों में, प्रभु जो चाहता वही करता है, प्रभु जो चाहता वही करता है। वह पृथ्वी के सीमांतों से बादल ले आता, वह
वह पृथ्वी के सीमांतों से बादल ले आता और वर्षा के लिए बिजली चमकाता है और वर्षा के लिए बिजली चमकाता है। वह अपने भंडारों से पवन निकालता है वह अपने भंडारों से पवन निकालता है। उसने मिस्र में मनुष्यों और पशुओं उसने मिस्र में मनुष्यों और पशुओं दोनों के पहलौठों को मारा दोनों के पहलौठों को मारा। मिस्र उसने तुझमें मिस्र उसने तुझमें फिराउन और उसके सब सेवकों के विरुद्ध फिराउन और उसके सब सेवकों के विरुद्ध चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उसने बहुत से राष्ट्रों को हराया उसने बहुत से राष्ट्रों को हराया और शक्तिशाली राजाओं को मारा और शक्तिशाली राजाओं को मारा। अमोरियों के राजा सिहोन को अमोरियों के राजा सिहोन को बाशान के राजा ओग को बाशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को और कनान के सब राजाओं को। उसने उनका देश अपनी प्रजा इज़राइल को अपनी प्रजा इज़राइल को विरासत के रूप में दे दिया विरासत के रूप में दे दिया। प्रभु तेरा नाम चिरस्थाई है प्रभु तेरा नाम चिरस्थाई है प्रभु तेरी स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है प्रभु तेरी स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाता प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाता और अपने भक्तों पर दया करता है और अपने भक्तों पर दया करता है। राष्ट्रों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की हैं राष्ट्रों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की हैं। वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। उनके मुख है किंतु वे बोलती नहीं उनके मुख है किंतु वे बोलती नहीं आंखें हैं किंतु वे नहीं देखती आंखें हैं किंतु वे नहीं देखती उनके कान हैं किंतु वे नहीं सुनते उनके कान हैं किंतु वे नहीं सुनते और वे सांस भी नहीं लेती और वे सांस भी नहीं लेती। जो उन्हें बनाते हैं जो उन्हें बनाते हैं वे उनके सदृश बनेंगे वे उनके सदृश बनेंगे और वे सब भी और वे सब भी जो उन पर भरोसा रखते हैं जो उन पर भरोसा रखते हैं। इज़राइल के घराने प्रभु को धन्य कहो इस्राएल के घराने प्रभु को धन्य कहो हारून के घराने प्रभु को धन्य कहो हारून के घराने प्रभु को धन्य कहो लेवी के घराने प्रभु को धन्य कहो लेवी के घराने प्रभु को धन्य कहो। तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य कहो। धन्य है सियोन का प्रभु धन्य है सियोन का प्रभु जो यरूशलेम में निवास करता है जो यरूशलेम में निवास करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। उस क्षण मौन होकर प्रभु के प्रेम को अनुभव करें उसका हाथ बचाने में समर्थ है। वो सहज ही द्रवित हो जाता है उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा घर परिवार हमारा मन हमारी आत्मा और हमारा हृदय प्रभु के प्रेम से भर जाए उसकी आत्मा हम सभी लोगों पर अधिकार ले। इस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु से निवेदन करें कि वो पवित्र आत्मा जो 50वें दिन चेलों के ऊपर उतरा हम पर भी उतरे हमारे परिवारों पर भी उतरे। प्रभु से कहना कि प्रभु छू ले मुझे अपनी पाक रूह से मुझे छू ले मैंने कुछ बातें करनी है कुछ गुफ्तगू करनी है मैं अपने दुखों को और अपने सुख को समर्पित करता हूँ। हे प्रभु मुझ पर दया कर मेरे माँ बाप पर दया कर मेरे बच्चों पर दया कर मेरे मित्रों पर दया कर मेरी कलीसिया पर दया कर। हे प्रभु मुझ में अपने पवित्र आत्मा की आग को सुलगा दे जैसे तूने एलीशा को
अपने पवित्र आत्मा से भर दिया, जैसे तूने एलिया की कुर्बानी को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जलाया, वैसे ही हमारे अंदर भी वो आग सुलगा दे। स्वर्ग द्वार खुला है प्यारे भाई, वो पवित्र आत्मा जो कपोत के रूप में बपतिस्मा के दौरान यर्दन नदी में प्रभु यीशु के ऊपर उतरा, वही पवित्र आत्मा आज आप लोगों को छू ले, आप लोगों को स्पर्श करे, आपके हृदयों और मन में शांति का संचार हो जाए। हृदय पर लगी चोटें यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से वो धुल जाए और आपको रूह का ताजा अभिषेक प्राप्त हो जाए। Receive the anointing of the Holy Spirit. Be blessed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Receive the anointing of the Holy Spirit, my dear brothers and sisters. This is the time when the anointing is flowing from this altar. This is the time when the anointing is flowing from the blessed sacrament of the altar. This is the time when the Lord is healing you. Yeshua aapko chhu rahe hain. प्रभु पवित्र आत्मा आप लोगों को सामर्थ्य से भर रहा है। एक एक को प्रभु यीशु नाम लेकर पुकारता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जाए, मैं चाहता हूँ कि तेरा जीवन बदल जाए, मैं चाहता हूँ कि तेरे जीवन में चंगाई आ जाए, मैं चाहता हूँ कि तेरा विवाह एक अच्छे वर के साथ हो, अच्छी वधू के साथ हो, मैं चाहता हूँ कि तू उन्नति करे, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ रहे, मैं चाहता हूँ कि तेरे जीवन में किसी बात की कमी और घटी ना हो, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। ए
एलीशा को जैसे रू तूने दिया था, यर्दन को उसने पार किया था। एलीशा को जैसे रू तूने दिया था, यर्दन को उसने पार किया था। एलीशा को जैसे रू तूने दिया था, यर्दन को जैसे रू तूने दिया था, यर्दन को उसने पार किया था। उस रूह से आज मैं भी भर जाऊं, उस रूह से आज मैं भी भर आत्मा का मसा ग्रहण करें, पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक ग्रहण करें। प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है, उसके वचन आत्मा और जीवन है। इसलिए पेत्रुस ने कहा, हे प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आपके शब्द आत्मा और जीवन है। यीशु ने कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। क्या आप चाहते हैं कि शुद्ध हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि चंगे हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बरकतें आएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके बिगड़े काम संवर जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता आए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति हो? तो प्रभु का वचन ग्रहण करना, प्रभु का वचन ग्रहण करना, क्योंकि उसके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। स्त्रोतकार कहता है, तेरे वचन की व्याख्या करने से मेरे जीवन में उन्नति आती है, शांति आती है, मुझे स्वास्थ्य मिलता है। प्रियजनों, स्त्रोतकार कहता है कि तेरे वचन मेरे पांव का दीपक है, मेरे मार्ग का उजाला है। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी शिक्षा पर भी चलोगे। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, विधि विवरण ग्रंथ में प्रभु कहता है, जो वचन मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं उन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आपकी शिक्षा पर, आपकी शिक्षा पर मेरा जीवन निहित है, मेरा जीवन निहित, आपके वचनों में, आपके वचनों में मेरा जीवन निहित है, मेरा जीवन निहित। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, में कई मर्तबा आपसे इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि मसीही जीवन एक चुनौती है, मसीही जीवन एक चुनौती है। क्रिश्चियनिटी या मसीहत कोई धर्म नहीं है, परंतु यह ईश्वर के साथ एक संबंध है। क्रिश्चियनिटी इज द रिलेशनशिप विद द लॉर्ड।
इसलिए एक विश्वासी को जो मसीही बन के रहता है उसे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता स्थापित करने की आवश्यकता है। और जब आप उस रिश्ते में पवित्र रहते हैं तो आपका प्रेम बना रहता है और आप एक दूसरे की चिंता करते हैं। ठीक उसी तरह यदि पति और पत्नी का प्रेम सुदृढ़ है, उसमें कोई खोट नहीं है, और यदि वो पवित्र हैं, यदि वो उस प्रेम में बने रहते हैं तो वो एक दूसरे की चिंता करते हैं, वो एक दूसरे के लिए आत्मत्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। वैसा ही रिश्ता, वैसा ही प्रेम एक विश्वासी को, एक मसीह को परमेश्वर के साथ स्थापित करने की आवश्यकता है। सो देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिश्चियनिटी। समझने का प्रयास करें कि मसीहत क्या है। ये कोई जात पात या कोई धर्म नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिश्ता है, और उस रिश्ते में रहने के लिए एक भक्त, एक विश्वासी निरंतर प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। बोलो आमेन। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में विश्वास करके साथ आपके पीछे चलूंगा, आपके पीछे। हालेलुया। 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 तो प्रियजनों, जब हम मसीहत को जीने लगते हैं, उस रिश्ते को जब हम जीने लगते हैं, तो हमें कुछ बातों की आवश्यकता है। सबसे पहले ईश्वर को प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है, हमने नहीं। उस प्रेम की शुरुआत परमेश्वर से हुई, क्योंकि वह स्वयं प्रेम है। योहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है। क्या है? ईश्वर प्रेम है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्योंकि ईश्वर प्रेम है। अब बहुत सारे लोगों के विचार और जो विचारधारा है प्रेम के विषय में, वो अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर और पवित्र वचन जिस प्रेम के विषय में करते हैं, उसके विषय में संत पौलुस और ज्यादा समझाने का प्रयास करता है कि इस प्रेम का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लव। राइटिंग टू द लेटर इन द फर्स्ट लेटर ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर 13 वर्ड्स 4 ऑनवर्ड्स, उस प्रेम की व्याख्या को संत पौलुस हमें समझाता है। ही डिफाइंस दैट लव। और जब वो इस प्रेम की व्याख्या को हमें बताता है, तो वो ईश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। और सुनिए कि उस प्रेम के विषय में संत पौलुस क्या कहता है। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता और ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता, ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। बोलो आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे भी इस प्रेम में बने रहने की कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तो जब संत योहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है, और आप में से बहुत सारे लोग इस वचन को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इस प्रेम शब्द का अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो संत पौलुस उसको कुरिंथियों को लिखते हुए स्पष्ट करता है उस प्रेम के विषय में। और यही व्यवहार, यही बात ईश्वर की है। ये डेफिनेशन ईश्वर के व्यवहार को प्रकट करती है। और लिखा है कि ईश्वर का प्रेम, प्यारे भाइयों और बहनों, सहनशील है, दयालु है।
वो ईर्ष्या नहीं करता, ना डींग मारता, ना घमंड करता, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, लेकिन सहज ही द्रवित हो जाता, सब कुछ ढक लेता है, सबके पापों को नजरअंदाज करता। इसलिए बाइबल ये कहती है, अगर तू हमारे पापों को अनदेखा ना करे तो हम में से कोई भी तेरे सामने टिक नहीं सकता। अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या आप में इस तरीके का प्रेम है या नहीं, क्या आप पति और पत्नी में इस तरीके का प्रेम है या नहीं, आप भाई या बहन में, या आपके जो चार भाई हैं या बहन हैं उनके बीच में इस प्रकार का प्रेम है या नहीं, क्या वो एक दूसरे की बुराइयों को ढकने की कोशिश करते हैं या नहीं, या फिर ढींग मारते हैं, या घमंड करते हैं, या अपने हर कार्य का दिखावा करने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसा है तो वो इस श्रेणी में नहीं आता। दे डोंट फॉल इन टू दिस कैटेगरी of the definition of the love which has been given by St. Paul writing to the Corinthians in the first letter chapter 13 verse 4 onwards. और अगर ये सब बातें परिवार में हैं तो वहां पर प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर का निवास नहीं है। आगे लिखता है कि भविष्यवाणियां सब कुछ जाता रहेगा, भाषाएं मौन हो जाएंगी, ज्ञान भी मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। Everything will pass away, सब कुछ मिट जाएगा प्रियजनों, लेकिन प्रेम बना रहेगा, क्योंकि ईश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया, हमने उसे प्रेम नहीं किया। आज उसी प्रेम के विषय में हम चर्चा करेंगे। मसीहों को प्यारे भाइयों और बहनों और बहुत से लोगों को सच्चे ईश्वर का ज्ञान नहीं है, उन्हें आधा अधूरा ज्ञान है, क्योंकि वे लोग बाइबल पढ़ते नहीं है। ये बाइबल कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रभु के प्रेम की पुस्तक है। दिस इज द लव बॉम्ब प्यारे भाइयों और बहनों, जो कि कलवरी की उस पहाड़ी के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर फूटा, और उस प्रेम का जो बम जब फूटा तो उसमें से दया बह निकली, प्रायश्चित बह निकला, जीवन बह निकला। उस क्रूस से जो लहू की धारा जो बहने लगी उस वक्त प्रभु यीशु के शरीर से, उससे जो दया उमड़ पड़ी, वो दया और वो कृपा मेरे जीवन के लिए थी, आपके जीवन के लिए थी, मानव जाति के उद्धार के लिए थी। इसलिए इस पुस्तक को, इस पवित्र शास्त्र को ऐसे पढ़ना, एक जीवन ग्रंथ के रूप में पढ़ना। दिस इज नॉट द बुक ऑफ फॉर्मूलास, ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसमें फॉर्मूलास लिखे गए हो। इसमें परमेश्वर के प्रेम के विषय में चर्चा किया गया है, परमेश्वर के व्यवहार के विषय में चर्चा किया गया है, परमेश्वर क्या चाहता है उसके विषय में इसमें बताया गया है, परमेश्वर हमसे किस तरह से मिलता आया, किस तरह से बातें करता आया, किस तरह से वो आज भी हमसे बातें करता है, ये उसके विषय में मैं इस पुस्तक में लिखा है। आज तक दुनिया की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो कि ईश्वर के रहस्यों को, विशेष तौर पर प्रेम के विषय में समझा पाए। दुनिया की सर्वाधिक बिकने वाली किताब और सर्वाधिक प्रिंटिंग में रहने वाली जो किताब है वो है पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल। दुनिया के सर्वाधिक बिकने वाली किताब और जो लोग इसको पढ़ने वाले हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिसका उपयोग होता है दुनिया में, वो है पवित्र बाइबल। सैकड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में प्यारे भाइयों और बहनों इसकी प्रतियां छपी हैं, और जिन लोगों ने इसको अनुभव करते हुए पढ़ा है, प्रेम को महसूस करते हुए पढ़ा है, उनके जीवन में शांति आई है, उनके जीवन में चंगाई आई है। जरा अपने आप से पूछिए, जिन लोगों ने एक दूसरे को प्रेम किया है, जैसे कि हम कहानियों में सुनते हैं हीर रांझा की स्टोरी, कि जब वे लोग एक दूसरे के खत को पढ़ा करते थे तो उन खतों में लिखे हुए शब्दों को ही प्यारे भाइयों और बहनों ऐसे समझते थे कि उनका साथी उनके सामने बैठा है, वो चलचित्र की भांति उसमें अनुभव कर लिया करते थे। वैसे ही जब हम प्रेम के साथ, आदर के साथ, सच्चाई के साथ, भक्ति के साथ इस पुस्तक को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं,
तो परमेश्वर भी हमसे बातें करता है ठीक वैसे जैसे कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बातें करती है। आप जरा कभी विश्वास के साथ पढ़ के देखिए, कई लोग पढ़ते हैं तो यूं ही पढ़ते हैं, कहानी के रूप में पढ़ते हैं। कई लोगों की इस पवित्र शास्त्र के विषय में मनगढ़ंत सोच है, लेकिन बाइबल ये कहती है कि पूरा धर्म शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और पवित्र शास्त्र इसलिए लिखा गया है प्रियजनों ताकि भ्रांत धारणाओं का खंडन किया जा सके। भ्रांत धारणाओं का मतलब जो लोग व्यर्थ ही ईश्वर के विषय में सोचते और बातें करते हैं उनका खंडन किया जा सके। इसलिए पूरा ग्रंथ याकूब लिखता है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और इस ग्रंथ में प्रभु के प्रेम की चर्चा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे, अनंत जीवन प्राप्त करे। और इसलिए आज भी मसीही लोग और हर विश्वासी उस अनंत जीवन की खोज में रहता है, वो उस अनंत जीवन की खोज में रहता है। इसलिए जब ये वचन सुनाया जाता है तो मुझे और आपको उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बीज जो बोया जाता है वो परमेश्वर का वचन है और बोने वाला स्वयं यीशु मसीह है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं कि वचन जो बीज है और बोने वाला यीशु मसीह है, वो अपने दासों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा उस वचन को लोगों तक पहुंचाता है और उनके हृदयों को प्यारे भाइयों और बहनों प्रेम से भर देता है, दया से भर देता है, चंगाई से भर देता है। इसलिए मैंने कहा जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ दृढ़ नहीं है, जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पक्का नहीं है, जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पवित्र नहीं है, जब तक उसमें ईमानदारी नहीं है, तब तक हम उस रिश्ते में परिपक्व नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में मैं और आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने प्रेम के रहस्य को समझने की आशीष और शक्ति प्रदान कर, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, वचन में हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया, इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दासता के घर से, मिश्र के दासता से, फिराओं की गुलामी से उसने तुम्हें छुड़ाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपको प्रेम करता था, वो इसराइलियों को प्रेम करता था, वो चुने हुए लोग थे, उसने उन्हें पुत्र कहकर बुलाया था, उसने कहा हे यूदा जब तू बालक था तो तब मैंने तुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 और उससे आगे पवित्र वचन हमसे बताता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। बोलो आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिए ध्यान से, जिसके पास बाइबल हो वो खोले, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43। हे याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, हे इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है। आप एक एक व्यक्ति का नाम लेकर कहता है हे याकूब, हे इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, अब वह प्रभु तुमसे कहता है नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे,
ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक ईश्वर हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र को दे दिया, तुम्हारे बदले मैंने इथोपिया और सबा को दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोलो आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मूल्यवान और महत्व रखते हो, और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हालेलुया। 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 तो ये प्रेम कहाँ से आता है, किस तरह से हमारे शरीर में, परिवार में और हमारे जीवन में उमड़ता है, इसके विषय में संत पौलुस लिखता है रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 और उससे आगे। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। आशा व्यर्थ नहीं है, आशा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया और उसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए जब भी आप वचन पढ़ते हैं, जब भी आप बंदगी करने के लिए बैठते हैं, जब भी आप अपने घर में प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित होते हैं, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाना, क्योंकि वो आपको ईश्वर के रहस्यों को प्रकट करेगा, क्योंकि उसके सामर्थ्य से ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ता है और उमड़ता रहता है। बोलो आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो मैंने आपसे बात किया था कि इस प्रेम को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रेम को समझने के लिए हमें पवित्र शास्त्र को जानने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, कान लगाकर इसे सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र बाइबल बार बार हमें यही समझाती है, यही बताती है कि पुत्र मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनो, पुत्र मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:1 ऑनवर्ड्स, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। वे तुमको क्या करेंगी? लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। लंबी आयु का स्रोत और शांति का स्रोत परमेश्वर की शिक्षा को ध्यान से सुनने में है। आपकी हर समस्या का समाधान, आपके मन की शांति का समाधान ईश्वर के वचन को कान लगाकर सुनने में, ईश्वर की शिक्षा को सावधानी से पालन करने में, ईश्वर की बातों को अपने हृदय पर अंकित रखना, संजोए रखना और उस पर चलने में ही आपकी शांति है। पुनः मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मेरे पीछे दोहराइए, सूक्ति ग्रंथ अध्याय तीन पद संख्या एक प्रभु का वचन कहता है, पुत्र पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी, और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। उसी के अगले अध्याय में बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4:20 ऑनवर्ड्स, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 में लिखा है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। और नौजवानों और बच्चों और बुजुर्गों और दंपतियों और निसंतान दंपतियों, कान लगाकर मेरी बात सुनो, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, वह तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेंगी। लिखा है, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, और वह तुम्हें नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। बोलिए आमेन। आमेन। देखिए ईश्वर के वचनों में जो सामर्थ्य है,
ईश्वर के वचनों में प्यारे भाइयों और बहनों जो चंगाई का स्रोत बह रहा है वो, कि अगर हम उसे ध्यान से सुनते हैं, कान लगाकर सुनते हैं, सावधानी से पालन करते हैं, तो सबसे पहली बात कि वो आपको जीवन प्रदान करती है और आपकी आयु लंबी होती है और आपके जीवन में शांति बनी रहती है, आपके जीवन में नवजीवन का संचार होता है और आपको और आपके शरीर को वह स्वस्थ रखती है। और हम इधर उधर शांति ढूंढते हैं, इधर उधर हम बातों को खोजते हैं, इधर उधर तीर्थ में अपना मन लगाते हैं, अनेक चीजें प्रभु को समर्पित करने में रहते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलते, वचन नहीं सुनते, उसके प्रेम को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एक भक्त का जो प्रेम ईश्वर के साथ है वो ठीक एक प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम की आवश्यकता है। उसमें स्वार्थ नहीं परंतु उसमें आत्म त्याग की आवश्यकता है, क्योंकि लिखा है तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। अपने मुख को असत्य न बोलने दो, अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो, तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे। जिस पथ पर तुम चलते हो उसे ध्यान से देखो, तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हों, तुम ना तो बाएं भटको और ना दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो ये हमें हौसला देते हैं, ये हमें विश्वास भरते हैं। They fill us with hope, they fill us with love, they fill us with healing, they fill us with deliverance, my dear brothers and sisters. तो इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य है। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये हमें बताता है कि इस पुस्तक में ईश्वर के प्रेम का वर्णन है। और यशाया नबी अध्याय 54 पद संख्या 10 में इसका वर्णन करता है, उस प्रेम के विषय में। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 54 वर्स 10 ऑनवर्ड्स वी विल रीड। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 और उससे आगे। चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा, यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे वचन दोहराए, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, चाहे पहाड़ चल जाएं, चाहे पहाड़ और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, मेरा प्रेम नहीं टलेगा, और तेरे लिए, और तेरे लिए मेरा शांति विधान, मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा, नहीं डावाडोल होगा, यह तुझ पर, यह तुझ पर तरस खाने वाले, तरस खाने वाले प्रभु का कथन है, प्रभु का कथन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतनी सुंदर बात है। और प्रभु अपने उस प्रेम के विषय में बताता है, उस प्रेम की गहराई के विषय में बताता है। इसलिए एक सुंदर गीत गाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, एक माँ की तरह परमेश्वर हमें तसल्ली देता है, वो सीने से लगाता है, कभी ना ठुकराएगा। वो कहता है कि एक माँ अपना दुधमुआ बच्चा भुला सकती है। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 49 में बाइबल कहती है कि एक स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं। यर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 31 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 3 में कि मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं। और इस बात से स्पष्ट होता है कि ईश्वर का प्रेम अटल है। ईश्वर का प्रेम क्या है? अटल है। सबसे पहली बात कि इस पवित्र बाइबल में ईश्वर के प्रेम का वर्णन है। यह पवित्र बाइबल ईश्वर के व्यवहार को व्यक्त करती है, यह पवित्र बाइबल ईश्वर के विषय में बताती है। यह पवित्र बाइबल में बताया गया कि ईश्वर अनंत काल से अपनी चुनी हुई प्रजा को प्रेम करता आया है और वो करता रहेगा, क्योंकि उसने सबसे पहले मुझे और आपको प्रेम किया है। इसलिए मलाकी के ग्रंथ में प्रभु सवाल करता है और कहता है कि तुम मुझसे पूछते हो कि तूने हमें किस तरह से प्रेम किया, और पवित्र बाइबल इसके विषय में बताती है, यीशु इसका जवाब देता है। यीशु इस बात का जवाब देता है मलाकी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 जिसमें यह लिखा है कि प्रभु ईश्वर कहता, मैंने तुमसे प्रेम किया पर तुम पूछते हो कि तूने हमसे कैसे प्रेम किया है।
प्रभु ईश्वर कहता है, क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया। और यीशु ने योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 में कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्रेम किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया, इसलिए तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। बोलो आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है योहन के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 27 में कि पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो और यह विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर के यहां से आया हूं। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से वादा करें कि इस प्रेम में हम बने रहेंगे। तीसरी विशेष बात प्रभु के विषय में यह है कि उसका प्रेम चिरस्थाई है, उसका प्रेम अटल है, सदा बना रहने वाला है। गॉड्स लव इज अनचेंजिंग, नेवर चेंजेस। आप और मैं बदल सकते हैं लेकिन वो कभी नहीं बदलता है। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो हमसे प्रेम करता आया है, जो सदा एक रूप रहता है, जो सदा बना रहता है। सब कुछ चला जाएगा लेकिन तू कभी नहीं बदलता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 5 में, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है अध्याय 21 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि जैसे एक पक्षी अपने घोंसले की रखवाली करता है वैसे ही मैं भी तुम्हारी रखवाली करता हूं। जैसे गरुड़ पक्षी अपने नीड़ की रखवाली करता है और वो अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर अपने डैनों में अपने बच्चों को छिपा लेता है, जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों में छिपा लेती है, वैसे ही प्रियजनों प्रभु भी हम लोगों को, अपनी प्रजा को, अपने बच्चों को क्या करता है, वो अपने पंखों में छिपा लेता है। वो हमें शांति देता है, तसल्ली देता है और हमें प्रेम से भरता है। मैंने आपके लिए वचन पढ़ा यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1-5 में कि प्रभु संरक्षण देने वाला प्रभु है, प्रभु संरक्षण देने वाला प्रभु है। इसलिए बाइबल इसके विषय में कहती है कि वो हमें ले चलता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, जो मेरे पास आता है अंधकार में कभी नहीं भटकता। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे अपना दूत भेजूंगा, यात्रा में तुम्हारी रखवाली करेगा, तुम्हें संरक्षण प्रदान करेगा, मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा। स्रोत 91 पद संख्या 14 और उससे आगे कि वह तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे जिससे कि तुम्हें गिरने पर तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें संरक्षण देता है और उसका प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है। उसका प्रेम प्यारे भाइयों और बहनों उद्धारक ईश्वर के रूप में प्रकट हुआ है जो सदा हमारे जीवन में रहता है। बाइबल इस विषय में हमें बताती है कि वो एक पिता की तरह प्रेम करता है, एक चरवाहे की तरह प्रेम करता है, एक गडरिये की तरह प्रेम करता है, एक माँ की तरह वो प्रेम करता है। इसके तमाम उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं। उड़ाऊ पुत्र के विषय में जिसे हम लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रियजनों ईश्वर के प्रेम का ये दृष्टांत सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ईश्वर के प्रेम को समझने के लिए कि एक बेटा अपने बाप से चाहे कितना ही दूर क्यों ना चला जाए, कितना ही उदास क्यों ना हो जाए, कितना ही उससे वो दूर जाके भटक ना जाए, कितने ही गलत और घिनौने काम क्यों ना कर दे, लेकिन फिर भी वो पिता इंतजार करता रहता है कि कब उसका भटका हुआ बेटा वापस आएगा, उसकी खोज में वो वापस जाता है। बाइबल हमें बताती है इज़ेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 34 में कि वो प्रेम करने वाला ईश्वर है, एक गडरी के जैसे वो प्रेम करता है, यदि उसकी कोई भेड़ खो जाती है तो उसे ढूंढने के लिए जाता है। आइए इस प्रेम को अनुभव करें। Whenever you read the word of God, read with heart, mind and soul. जब भी आप इस वचन को पढ़ें तो अपने हृदय आत्मा के साथ पढ़ें, सच्चाई के साथ पढ़ें, पवित्र आत्मा को अपने साथ रखकर पढ़ें और वो हमें इस रहस्य को समझाएगा। निराश ना हो। आप में से जितने भी लोग निराशा को महसूस कर रहे हैं, अशांति को महसूस कर रहे हैं, आज के वचन आपके जीवन में उत्साह पैदा करें। जो बीमार हैं
प्यारे भाई प्यारी बहन, अपने दुखों को आप समर्पित करें, अपने दुखों को, अपने घावों को समर्पित करें और उन्हें सहन करने के लिए प्रभु की कृपा मांगें और परमेश्वर आपके जीवन में आपको चंगाई और शांति प्रदान करे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने वो मौजूद है यहाँ।
से सारे बंधनों को तोड़ता हूँ, खारिज करता हूँ हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की दुष्टता। एवरीथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉर्ड, हर वो चीज जो प्रभु यीशु के वचन के खिलाफ है, इस वक्त मैं उन तमाम बंधनों को यीशु के पवित्र वचन के सामर्थ्य से तोड़ता हूँ, जला के राख करता हूँ। यीशु ने कहा, जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, जिसके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा होंगे, जिसके लिए तुम पृथ्वी पर खोल दोगे स्वर्ग में भी खुला रहेगा, जिसका निषेध तुम पृथ्वी पर करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा। राइट नाउ आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से। जैसा आप लोगों ने विश्वास किया वैसा आपके जीवन में हो जाए। यीशु के पवित्र नाम से अंधे देखने लगे, यीशु के पवित्र नाम से लकवे की बीमारी आपको छोड़े और छाए, यीशु के पवित्र सामर्थी वचन के द्वारा आपके जीवन में शांति आ जाए, यीशु के पवित्र सामर्थी वचन से आपके जीवन में उन्नति आ जाए, आपका व्यक्तिगत जीवन यीशु के लायक बन जाए, आपके बिजनेस में परमेश्वर का मस्सा उतरे, आपके व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर की आशीष सदा बनी रहे, आपके रिश्तों में प्रभु का प्रेम प्रकट हो जाए, आपके जीवन में परमेश्वर की रूह का मसा और ताजा अभिषेक बना रहे। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने से लगाएं, प्रभु के प्रेम को अनुभव करें। एक माँ की तरह वो हमें तसल्ली देता है, मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है, सीने से लगाएगा, कभी नहीं ठुकराएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ प्रभु शांति देता।
शांति देता है, प्रभु शांति देता है। जो निराश हैं, हृदय से टूटे हुए हैं, जिन्हें आंतरिक चोटों से जो घायल हैं, प्रभु के प्रेम को अनुभव करना, वचन को सुनने की कोशिश करना, आत्मसात करके उसे चरित्रार्थ करने की कोशिश करना, ये वचन आग है। आग प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन से हर प्रकार का अंधकार दूर कर सकते हैं। ये वचन जीवंत है, दुधारी तलवार है, हर निराशा को ये समाप्त करते हैं। और वचन जब बोला जाता है और ग्रहण किया जाता है तो हर प्रकार का अंधकार वहां पर मिट जाता है, क्योंकि इन वचनों में जीवन है, इस पर हमारा जीवन निर्भर है, प्रभु का वचन हमें बताता है। इसलिए प्रार्थना करते जाना, जो इस वक्त अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हैं, कुछ हैं जो आत्महत्या करने का विचार करते हैं, जो बार बार कहते हैं मैं मर जाऊंगा, मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूं। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं, ये शरीर प्रभु का है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है। उसने अपना रक्त बहाकर, कीमत चुकाकर इसे खरीदा है। इस शरीर के ऊपर शैतान की दुरात्मा शक्तियों का कोई अधिकार नहीं, परंतु ईश्वर का अधिकार है, इसलिए ये ईश्वर का है। आपके हाथ प्रभु के हाथ हैं, आपकी आंखें प्रभु की आंखें बन जाएं, आपके पैर प्रभु यीशु के पैर बन जाएं, वो पैर जो गलीलिया में, कफरनहूम में, नाजरत में, यरूशलम में घूमते थे, लोगों को चंगा करते थे, वो हाथ जो उनको छू लेते थे और चंगाई प्रदान करते थे, अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, अर्धांग रोगी चंगे होते थे, कोढ़ी शुद्ध हो जाते थे, जो उनके कपड़े का पल्ला छू लेते थे वो चंगे हो जाते थे। आज आपके जीवन में भी ऐसा ही हो जाए। शतपति के जैसे कह दीजिए, प्रभु एक शब्द कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, प्रभु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी, प्रभु एक शब्द कह दे और मैं आजाद हो जाऊंगा, प्रभु एक शब्द कह दे और मेरे जीवन में उजाला हो जाएगा। कहते जाना प्यारे भाई और बहनों, आपकी समस्याओं का समाधान पवित्र वचन में है, आपकी समस्याओं का समाधान आत्मत्याग में है, आपकी समस्याओं का समाधान प्रार्थना और उपवास में है, आपकी समस्याओं का समाधान परमेश्वर की हजूरी में घुटने टेकने में है, आपकी समस्याओं का समाधान पवित्रता में, आपकी समस्याओं का समाधान प्रायश्चित और स्वीकृति में है, आपकी समस्याओं का समाधान परमेश्वर के अनुग्रह में है, परमेश्वर की कृपा में है। चाह कर भी कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता जब परमेश्वर जब तक उन पर दया ना करे। इसलिए जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, अपने हाथों को उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपनी संतानों के लिए, अपने बेटे और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है वो नशे से पीड़ित हो सकता है वो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो सकता है कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो सकता है पेनक्रियाटिस की बीमारी से पीड़ित हो सकता है किडनी के रोग से, हृदय के रोग से, मानसिक बीमारियों से, हो सकता तनाव से ग्रसित हो सकता अधूरा ज्ञान हो सकता असत्य में वो जीवन जी रहा है, हो सकता है बुराई में, अश्लीलता में जीवन जी रहा है। प्रभु उसके हृदय को परिवर्तित करे और पवित्रताई का वरदान प्रदान करे। इन तमाम बातों के लिए इस वक्त मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तू दया का राजा है, तू सहज द्रवित हो जाता है, तू खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है, तू पापी के पापों को अनदेखा करता, उसे क्षमा प्रदान करता है, तू हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर देता जितना पूरब से पश्चिम दूर है। हे प्रभु, तेरी कलीसिया पर, तेरे इन बच्चों पर जो इस संध्या के समय तेरा वचन सुन रहे हैं, ये अनुग्रह प्रदान कर। जो वचन आज इन्होंने सुना है, इनके द्वारा इनके जीवन में चंगाई आ जाए। बुजुर्ग जो इस वक्त रोगशैया पर है, बुढ़ापे में की अवस्था में है, अनाथाश्रम में है, बुजुर्गी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हे प्रभु इनकी हड्डियों में बल प्रदान कर, विश्वास में इन्हें दृढ़ बने रहने की कृपा दे। तू अपने अयोग्य दासों पर दया कर, उन्हें पवित्रताई का वरदान दे, उनके शरीर को पवित्र कर, उनके होठों को शुद्ध कर, जैसे तूने यशायाह नबी को शुद्ध किया,
जब उसने कहा कि प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, हे प्रभु, लेकिन फिर भी तूने उसे अपनी महिमा और अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। तू अपनी इस प्रजा के साथ रहने की कृपा कर, इनकी अगुवाई कर, जो भटक गए हैं उन्हें वापस ले आने की कृपा कर, इनके जीवन के उबड़ खाबड़ मार्गों को सीधा कर दे। तू सत्य का दाता है, उद्धार करता, परम पावन ईश्वर, तेरा प्रेम अटल है, सदा एक रूप रहने वाला है। हे प्रभु, तेरी रूह की आग उतरे और इन्हें शुद्ध कर, इन्हें पवित्रता का वरदान प्रदान करे। आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूत हमारे घर पर पहरा दे, तेरा स्वर्गदूत मिखाइल तलवार से हमारी रक्षा करे, हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान कर, तेरा पवित्र लहू हमारे सिर से लेकर पांव तक विलेपन करते हैं, हमारी हड्डियों में, हड्डियों की मज्जा तक में तेरे पवित्र लहू का संचार हो जाने दे, तेरी शिक्षा में नवजीवन प्रदान करे और हमारी हड्डियों को सुरक्षित रखे। हमारा मन विकृत ना हो जाए, परंतु तेरे वचन के द्वारा हम उत्साह से भरे रहे और सदा तेरी महिमा के लिए जीवन जिए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। सभी घुटना टेके, साष्टांग प्रणाम करें, नतमस्तक हो जाएं, पवित्र संस्कार की आराधना करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सदा सर्वदा। आइए हम तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें, जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। मैं दीवानी यीशु दर्दी, मैं दीवानी यीशु दर्दी, मैं दीवानी सूद दर्दी, मैं दीवानी ये सूद दर्दी। यीशु मसीह है खुदाया मेरा, यीशु मसीह है खुदाया मेरा। मैं दीवानी ये सूद दर्दी, मैं दीवानी ये सूद दर्दी। हुंदा दिल दा जो कुछ मंगो ऐ तो मेरे
मसीह ने रखिया शर्मा, वेख के मंदा हाल मेरा मैं दीवानी, यीशु ते दर्दी मैं दीवानी, यीशु ते दर्दी। यीशु मसीह है खुदाया मेरा, यीशु मसीह है खुदाया मेरा, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी।